नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी देव उठनी एकादशी पूजा विधि के विषय में, जिसे कि हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह में एकादशी पड़ती है और हम विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कार्तिक मास देव उठनी एकादशी का महत्व ही अलग है, क्योंकि इस एकादशी पर चार माह की योग निद्रा से भगवान विष्णु जी जागते हैं और इसी दिन माँ तुलसी जी का विवाह उनके शालिग्राम रूप के साथ होता है। तो दोनों ही रूपों में यह एकादशी विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जो भी मेरे भाई बहन किसी भी माह की एकादशी का व्रत न रखते हो, वो भी इस एकादशी का व्रत अवश्य रखें। अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य करें। तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो क्या विधि है, इसकी वीडियो भी मैं दे चुकी हूं, आप लोग जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो में मैं केवल एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी, क्योंकि संध्या के समय तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और इसका वीडियो विस्तृत रूप से मैंने दिया है, लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्योंकि दोनों ही विधियां यदि मैं एक ही वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो तुलसी विवाह की जितनी विधि है, एक एक विधि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल तरीके से, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज मैं बात करूंगी एकादशी के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या विशेष करें हर प्रबोधिनी एकादशी पर। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और पूरी पूजा विधि आप लोग आसानी से सरलता से समझिएगा। आप सभी लोगों को हरि प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, तबियत थोड़ी खराब है इसलिए आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, आवाज सही से नहीं आ पा रही है, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे, पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त कब है, राहु काल कब है और इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे समय को, मुहूर्तों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, इस वर्ष 2023 में हर प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को रखी जाएगी। तिथि शुरू हो जाएगी 22 नवंबर को रात्रि में 11:04 पर और यह समाप्त होगी 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर। इस दिन यदि मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 11:51 से लेकर 12:34 तक। अमृत काल मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 12:44 से लेकर 2:15 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा 5:13 से 6:01 तक। इस दिन सूर्योदय है 6:49 पर और सूर्यास्त होगा 5:36 पर। तो ये सारे समय और तिथि के बारे में बात थी। अब आइए बात कर लेती हूँ व्रत के विषय में, पूजा विधि के विषय में। देखिए, आप सभी लोग पूरे परिवार इस व्रत को धारण करें, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, अपने घर की, अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद सबसे पहले माँ तुलसी जी का पूजन करें। जल नहीं देना होता है एकादशी के दिन, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन पूजन आप कर सकते हैं, विधि विधान से माता तुलसी जी का पूजन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सूर्यदेव जी की भी पूजा कर लीजिए, पूरी जैसे आप दैनिक पूजा जो करते हैं वो कर लीजिए। अब विधि विधान से, क्योंकि एकादशी है, हरि प्रबोधिनी एकादशी है, तो इसमें आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा सुबह के समय कर सकते हैं और संध्या के समय तो फिर पूजा करनी ही है, क्योंकि हम लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तो सुबह आप चाहे अपने घर के मंदिर में या फिर लकड़ी का कोई अलग से चौकी लगाकर पीला वस्त्र आप बिछा लें। इस दिन सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अक्षत के रूप में आप सफेद तिल का प्रयोग करें, चावल का प्रयोग बिल्कुल न करें। और जो भी आप चौकी इत्यादि पे जो आसन देने के लिए हम लोग अक्षत रखते हैं, जैसे कलश के नीचे, दीपक के नीचे, तो आप लोग उसके लिए गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, चावल का प्रयोग वर्जित होता है एकादशी पर। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है, उसके पहले ही आप लोग तुलसी पत्र इत्यादि तोड़कर अवश्य रख लें। अब आइए बात करती हूँ, एकादशी के दिन आप चौकी स्थापित करने के बाद पीला कपड़ा बिछाकर गेहूं या फूल की पंखुड़ियों का आसन देकर भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप स्थापित करें। उसके बाद कलश की स्थापना कर लें, क्योंकि जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो आप नीचे गेहूं आप रखिएगा आसन देने के लिए, चाहे तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा, उसके ऊपर कलश, कलश में स्वास्तिक मौली आप बांध दीजिएगा, थोड़ा सा पहले गंगा जल, फिर स्वच्छ जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का,
लौंग, दूर्वा, पुष्प इत्यादि डालकर पंचपल्लव लगा दीजिएगा। एक पूर्ण पात्र रखिएगा जिसमें कि गेहूं रखकर आप ऊपर दीपक आपको रखना है, चावल का प्रयोग नहीं करना है। घी का दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। उसके बाद आप गौरी गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से गाय के गोबर से या हल्दी से गौरी जी को बना लीजिएगा और गणेश भगवान जी को सुपारी से बना लीजिएगा। उन्हें आसन दीजिएगा, गेहूं का आसन या फिर फूलों की पंखुड़ी का आसन या फिर पान का पत्ता रखकर उनकी स्थापना कर लीजिएगा। उसके बाद इस दिन भोग प्रसाद में मुख्य रूप से जो इस एकादशी कार्तिक एकादशी का महत्व होता है, उसमें सिंघाड़ा, मूंगफली, गन्ना, शकरकंदी, ये सारे प्रसाद होते हैं। मुख्य रूप से इन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है और इन्हें खाया भी जाता है। आंवला, ये सारी चीजें आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा भगवान विष्णु जी को। आप चाहे तो पीली मिठाई, सात्विक साफ मिठाई का भी भोग आप लोग लगा सकते हैं, फलों का भी और भी फलों का भोग आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप गणेश भगवान जी की वंदना करिए, उनकी प्रार्थना करिए, उनको दूर्वा, जनेऊ इत्यादि अर्पित कीजिए, माँ गौरी जी की प्रार्थना कीजिए, सिंदूर कलावा अर्पित कीजिए, फिर कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, हाथ में पुष्प और सफेद तिल लेकर सभी देवी देवताओं को बुलाइए, आमंत्रित कीजिए। उसके बाद बहुत ही साधारण तरीके से कलश की पूजा कर लीजिए, पुष्प चंदन आदि से तिलक करके आप उनकी पूजा कर लीजिए। जो पंच पल्लव है उस पर भी आप चंदन से टीका कर दीजिए, हल्दी कुमकुम से टीका कर दीजिए। जो ऊपर दीपक है वो दीपक ज्योति माँ लक्ष्मी जी का रूप है, उनका भी आप पूजन कर लीजिए। पुष्प अक्षत इत्यादि, अक्षत का मतलब वही जो सफेद तिल की बात मैं कर रही हूँ, आप अर्पित करके उनका भी पूजन कर लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, एक धूप बत्ती जलाकर सामने रख दीजिए। ये सारी चीजें हो गई। फिर भगवान विष्णु जी को आप चंदन अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए, पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र अर्पित कीजिए, माँ लक्ष्मी जी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी के समक्ष पुष्प अर्पित कीजिए, पीला फल, भोग प्रसाद जो मैंने बताया वो सारी चीजें आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद बैठकर भगवान विष्णु जी की आप वंदना कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, श्लोक चालीसा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। वैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रतिदिन आप करते हैं या गुरुवार के दिन करते हैं, ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो आप लोग कर लीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी की वंदना कर लीजिएगा और बैठकर आप थोड़ी देर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का, जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह महामंत्र है, प्रिय मंत्र है भगवान विष्णु जी का, आप लोग जप कर लीजिएगा जितनी भी देर कर सके। पूरे परिवार मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती कर लीजिएगा। उसके बाद भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिएगा। ये सारे कार्य हो गए। उसके बाद देवउठनी एकादशी पर जो विशेष कार्य हम लोग करते हैं वो करते हैं, थोड़ा जब संध्या का समय आ जाता है, जैसे तुलसी विवाह का जब समय होता है उसके थोड़ा पहले ही हम लोग चौक बनाते हैं, जैसे कि रंगोली दिवाली में बनाई जाती है उसी प्रकार चौक बनाया जाता है, लेकिन उसका नियम कुछ अलग होता है। किसी किसी के यहाँ इसे गेरू से, जिसे कि लाल मिट्टी भी कहते हैं, उससे बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चावल से बनाया जाता है। चावल को भिगा कर पीस कर, हम लोग जो चावल का आटा रखे होते हैं उसको घोल कर नहीं बनाते हैं, चावल को भिगा कर और पीस कर हम लोग इसे चौक बनाते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, मेरे ख्याल से सभी भाई बहनों के यहाँ ये होता होगा। ये चौक बनाना बहुत ही आवश्यक विधि होती है देवउठनी एकादशी पर। तो आपके यहाँ यदि गेरू से बनता हो तो आप लोग गेरू से बना लीजिएगा, जैसा भी आपको डिजाइन आता हो, जितना भी सुंदर आप लोग बना सके। बहुत लोग को बहुत सुंदर डिजाइन आती है बनाने, जैसे कि रंगोली की ही बात होती है, बहुत लोग सुंदर बना पाते हैं, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। तो चौक जरूर बनाइएगा, चाहे आपको जैसा भी आता हो। अपने घर के मंदिर के पास भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे नियम था पहले के समय में खुले स्थान पर आंगन में बनाया जाता था। तो आपके यहाँ यदि आपके घर में खुला स्थान आंगन है तो आप लोग आंगन में जरूर बनाइए, नहीं तो अपने घर के मंदिर के पास ही बना सकते हैं स्वच्छ स्थान पर। उस स्थान को पहले स्वच्छ कर लीजिएगा। चौक बनाने के बाद उन्हें देव का रूप माना जाता है, उन्हें भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। उसके बाद आप वहां पर एक अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, घी का या तिल के तेल का, और उस चौक जो आपने चौक बनाया है वहां पर आप भोग प्रसाद के रूप में गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, मूंगफली, जो भी आपके पास है मिठाई फल आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। भगवान विष्णु को जगाने के लिए हम लोग चौक बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भगवान विष्णु जी का स्वरूप समझकर उनकी पूजा अर्चना करके एक अखंड दीप जला दीजिएगा। आपके घर में यदि सूपा है, सूप जिसे कहते हैं, कहीं सूपा कहते हैं, सूपा का पूजन भी इस दिन किया जाता है। वही चौक के पास आप सूपा को पहले धुल के स्वच्छ कर लीजिएगा और सूपा के पीछे की तरफ भी चौक बनाया जाता है, चौक पूरा जाता है। तो आप लोग गेरू से या जो भी आपके यहाँ चावल से बनता हो तो चावल को पीसकर आप लोग सूपा पर भी चौक बनाकर और वहीं पर चौक के पास ही उसे वहां पर रख दीजिएगा, वो भी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो इस तरह से पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करिएगा कि हे भगवान विष्णु जी, हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए,
और पूजा में जो भी हमसे त्रुटि गलती हो गई है उसे क्षमा कीजिएगा। इस तरह से करने के बाद अखंड दीपक अच्छी तरह से जलाकर रख दीजिएगा, जो रात्रि भर चौक के पास जलता रहे। अब संध्या की बारी आती है कि अब आप लोगों को दीप दान करना है, तो एकादशी के दिन आप लोग जितने दीप दान कर पाए आकाश दीप दान कर दीजिएगा। माँ तुलसी जी के समक्ष तो आपको करना ही करना है, क्योंकि तुलसी विवाह भी करना है। लेकिन आपके घर के मंदिर के आपके घर के पास मंदिर इत्यादि हो तो मंदिर में आप लोग जाकर कर दीजिएगा। एक गंगा मैया के निमित्त जरूर दीप दान कर दीजिएगा। पास में नदी सरोवर हो तो जाकर करके आइए, नहीं है तो अपने घर में जो आपने गंगा जल रखा है उसे ही आप किसी पात्र में डालिए, थोड़ा सा जल डालिए, पुष्प अक्षत इत्यादि से पूजन कीजिए, और उसके बाद वही गंगा मैया का स्मरण करके आप एक दीपक उनके निमित्त आप जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लोग इस दिन 5 दीपक 7 दीपक जला सकते हैं, और भी जहां जहां आपको अपने घर में अंधेरा लगे वहां पर दीपक जरूर जला दीजिएगा। अब आप लोग संध्या के समय विधि विधान से तुलसी माता की विवाह का आयोजन कीजिएगा। विवाह का आयोजन पूरा विधि मैं जो लिंक है वो दे दूंगी वीडियो का, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ ये भी उसमें मैंने बताया है कि यदि आप विवाह का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, क्योंकि उसको बताने में थोड़ा समय लगेगा तो मैं बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए जो भी मेरे भाई बहन संपूर्ण विवाह का आयोजन नहीं करा पाते हैं, वो संध्या के समय स्नान आदि फिर से करके, जैसे चौक पूरने के समय तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र उसी समय आप लोग धारण कर लीजिएगा। संध्या का जो चौक पूरने वाली पूजा होती है उसके बाद आप माता तुलसी जी के जो क्यारी है, गमला है, उसे स्वच्छ करके उसे भी गेरू से या हल्दी से उस स्थान को थोड़ा लेपन कर लीजिएगा उस स्थान को। और माता तुलसी जी को इस दिन आप लोग सिंदूर अर्पित कीजिएगा, जो कि प्रत्येक दिन हम लोग माता तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं। इस दिन आप लोग विधि विधान से पीला सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा, और 16 श्रृंगार या फिर मुख्य श्रृंगार जो भी आपके पास हो पाता है, चुंदरी, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शीशा, कंघी, सारा कुछ आप लोग 16 श्रृंगार इस दिन माता जी का कर दीजिएगा। मतलब उनके विवाह के उत्सव में आप उनका श्रृंगार कर दीजिएगा यदि आप विवाह नहीं करा पाते हैं। और एक अखंड दीपक घी का प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपकी इच्छा है तो आप इस दिन माता तुलसी जी के समक्ष 108 बाती का दीपक, 365 बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तो इसको कर दीजिएगा। और माता तुलसी जी को जिस प्रकार से मैंने बताया, सिंघाड़ा, गन्ना, ये सब जो मुख्य प्रसाद है, इन सब चीजों का भोग लगा दीजिएगा। आपके पास कोई सात्विक मिठाई है तो उसका भोग लगा दीजिएगा। माता जी को अच्छी तरह से चुंदरी इत्यादि आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब उनका विवाह है तो उनका आप लोग श्रृंगार कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आपको विवाह कराने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। कुछ दक्षिणा जरूर रख दीजिएगा, और जितनी भी सामग्री है उस समय आप वहां से मत हटाइएगा। सुबह आप उस सामग्री में से जो भी सुहागिन माताएं बहने हैं वो जो माता रानी को अर्पित किया हुआ सिंदूर होता है उसे लगाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जो वस्त्र आपने अर्पित किया है उसे आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा, उससे आपके घर में सौभाग्य बढ़ता है। और श्रृंगार की अगर बहुत ज्यादा सामग्री है तो उसमें से कुछ दान भी कर सकते हैं, और कुछ अपने प्रसाद के रूप में माताएं बहने उसे धारण कर सकती हैं। तो इस तरह से भी आप लोग कर लीजिएगा जो भी मेरे भाई बहन विवाह का आयोजन नहीं करा पाते हैं। और उसके बाद सुबह के समय इस दिन माता तुलसी जी के समक्ष जो भी आपने अर्पित किया है उसमें से कुछ सामग्री के साथ साथ आप कुछ अन्नदान दक्षिणा ब्राह्मण को जरूर दीजिएगा, अपने पंडित जी, पुजारी जी या फिर किसी मंदिर में जरूर देकर आइएगा। तो इससे आपको विवाह करने का भी फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी एकादशी पूजन, और साथ में कि विवाह नहीं करा सकते हैं तो क्या विधि करें, क्या उपाय करें, ये सारी बातें थी। आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी, हरिप्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा, माँ तुलसी जी की कृपा आपके घर में सदा सर्वदा बरसती रहे। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।